हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स क्या है और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स क्या है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है अरहेनियस का, और अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो यस प्लस आयन रिलीज करते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। दैट मीन्स जैसे मेरे पास क्या है, H2SO4 है, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, H+ HSO4-। मेरे पास क्या है, HCl है, वाटर में डिजोल्व करेंगे ये मुझे क्या देगा, H+ और Cl-। दैट मीन्स हमें ये समझना है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको यदि हम वाटर में डिजोल्व करें तो मुझे क्या दे, H+ आयन दे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, अरहेनियस के द्वारा। हमें समझना ये है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो सिंपल वे में, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो बहुत ही रैपिडली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए और H+ आयन दे। दैट मीन्स मैक्सिमम H+ आयन, मैक्सिमम H+ आयन प्रोड्यूस इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको हम बोलेंगे कि जिनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो मैक्सिमम H+ आयन प्रोड्यूस करें। और यहीं पर अगर हम वीक एसिड की बात कर लें, दैट मीन्स मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH3COOH, CH3COOH, ये क्या होता है, वीक एसिड्स होता है। आपको ध्यान में रखना है कि वाटर तो हम लेंगे, वीक एसिड्स के लिए जो हम एरो दिखाते हैं वो आपको रिवर्सिबल एरो दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रिवर्सिबल एरो दिखाएंगे कि नहीं, H+ का फॉर्मेशन हो तो रहा है बट ये कंप्लीट नहीं है, साथ में कैसा है, रिवर्सिबल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे वहां पर हम रिवर्सिबल एरो की बात नहीं करेंगे, वो आपका क्या होगा, कंप्लीट एरो होगा। और वो बताएगा कि नहीं, H का फॉर्मेशन, H+ का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली H+ आयन देते हैं, मैक्सिमम H+ आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और जो ये बहुत ही कम मात्रा में देते हैं या जिनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, दैट मीन्स कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। आइए चलते हैं, अगर मुझे डिफाइन करना हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, तो कैसे मुझे डिफाइन करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की हम डिफिनेशन राइट करेंगे, द एसिड्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मीन्स आपको समझना क्या है, ऐसे एसिड जिनको हम कहां पर डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। कहां पर डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, और क्या होगा, लार्ज अमाउंट, ध्यान में रखना है, H+ आयन जो रिलीज होगा कितना, लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा। और ऐसे सब्सटेंस जिनसे लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज हो रहा है कहां पर, वाटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो H2SO4, H2SO4 क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नेम होता है। जब इसे हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये 2H+ आयन प्लस SO4-, दैट मीन सल्फेट आयन क्या दे रहा है, सल्फेट आयन। तो हमें क्या समझना है, यहां पर हमें H+ आयन की मीनिंग समझनी है कि अगर H+ आयन दे रहा है तो क्या होगा, वो एसिड होगा। सेकंड मेरा क्या है, HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो क्या देगा, H+ आयन और NO3-। यह Cl है, वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या मिलेगा मुझे, H+ और Cl- आयन। दैट मीन्स ये जितने भी एसिड्स दिए गए हैं, अगर अदर एग्जांपल की हम बात कर लें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बोरिक एसिड,
या हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड। साथ में क्या है हमारे पास, सॉरी परक्लोरिक एसिड, या सीएल फोर को हम क्या बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास क्या हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया। तो जितने भी एसिड दिए गए ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मीनिंग क्या समझनी स्ट्रॉन्ग एसिड की, कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये लार्ज अमाउंट में एच प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो लार्ज एच प्लस आयन प्रोड्यूस हो गए वही हमारे क्या हो शो करेंगे एसिड के करेक्टर्स को। आइए बात करते हैं वीक एसिड को कैसे हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक एसिड्स की। तो द एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एच प्लस इन द सॉल्यूशन। मीनिंग आपको ये समझनी है कि ऐसे एसिड्स जिनको हम क्या करें वाटर में डिसॉल्व करें तो देन क्या होगा, एच प्लस आयन प्रोड्यूस होगा, बट किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में। किस अमाउंट्स में, स्मॉल अमाउंट्स में। और साथ में मुझे ये ध्यान में रखना है कि जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम एरो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, डबल एरो लगाएंगे, दैट मीन्स रिवर्सिबल एरो लगाएंगे, कि कंप्लीट नहीं। एक मुझे एच प्लस मिल गया दैट मीन्स मेरे पास एसिड हो गया, एच प्लस मिल गया ऐसे नहीं, ये फिर से कंबाइन होके इधर रिटर्न बैक आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से कंबाइन होके क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एच प्लस आयन को रिलीज करते हैं, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल मेरा है एस्टिक एसिड CH3COOH। जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ब्रेक होता है एसीटेट आयन में और एच प्लस में, बट ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है कि एच प्लस जो हमें मिला वो क्या मिलेगा, बना रहेगा सोल्यूशन में, एच प्लस आयन एसिडिक करेक्टर मुझे देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो एरो बता रहा है ये बता रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट मीन्स ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है, कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H+ मुझे मिलेगा CO3-, दैट मीन्स कार्बोनेट आयन मिल रहा है, बट कंडीशन यहाँ पर ये है ये भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। वैसे ही मेरे पास एग्जांपल क्या है, फॉर्मिक एसिड का, कि ये भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो क्या देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन देगा वाटर में, और जो वीक एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन इन वाटर। तो ऐसे हम समझ सकते हैं जो एच प्लस ज्यादा देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम देगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।